यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास खत्म। असातिज़ा की गुज़श्ता तारीखों की माली मुराद दोबारा बहाल कर दी गई। सिंडिकेट की इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में डॉक्टर रुबीना जाकिर और डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सज्जाद कादमी से। जी सज्जाद, इस इजलास में क्या फैसले किए गए बताइएगा, आपको यहाँ तफसीलात से आगाह करते चले। एक अहम खबर से, पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास ख़त्म हो गया। असातिज़ा की गुज़श्ता तारीखों की माली मुराद दोबारा बहाल कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इजलास में क्या फैसले किए गए हैं। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास आज मुनक्कद हुआ है, जिसमें असातिज़ा की गुज़श्ता तारीख की माली मुराद दोबारा बहाल कर दी गई है। सिंडिकेट के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कल्चर में डॉक्टर रुबीना जाकिर को डायरेक्टर लगा दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में डॉक्टर नासर जबी को डायरेक्टर लगा दिया गया है। इसी तरह शाहिद महमूद गुल को शोभा फिलासफी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया और डॉक्टर फखरुल अखनूरी को ओरिएंटल कॉलेज का दोबारा प्रिंसिपल तैनात किया गया है। डॉक्टर तारा जबी को चेयरमैन शोभा सोशल वर्क लगा दिया गया है। डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट को शोभा स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है और डॉक्टर साजिद रशीद को एडवांस रिसर्च बोर्ड के मेंबर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो डॉक्टर नशीना सलीम और डॉक्टर बुशरा रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी में एसोसिएट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी में विजिटिंग में पढ़ाने वाले असातिज़ा के मुआवजे में भी इजाफा कर दिया गया है। रेगुलर प्रोफेसर के लिए 1600 रुपये और सेल्फ सपोर्ट पर 2000 रुपये लेक्चर का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रेगुलर के लिए 1400 और सेल्फ सपोर्ट पर 1600 रुपये है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1200 से और सेल्फ सपोर्ट पर 1400 रुपये मंजूर किए गए हैं। लेक्चरर के लिए रेगुलर क्लासेस का आगाज रेगुलर क्लासेस के लिए 1200 और सेल्फ सपोर्ट के लिए 1400 रुपये मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी, आप हमें आगाह कर रहे थे।